Hello everyone, welcome back once again to my another new video. In advance, happy Independence Day to all my lovely viewers. और इसी occasion को ध्यान रखते हुए मेरी आज की recipe आप लोगों के लिए three color milk पेरा sweet dish बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी, जो कि देखने में है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो चलिए आज की इस डिश को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे 2 कप लिक्विड दूध और 1/2 कप पाउडर्ड दूध। अच्छी तरीके से पहले मिला लेंगे, एकदम भी लम्स नहीं रहना चाहिए। दूध होना चाहिए लुकवर्म, बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा हम दूध नहीं लेंगे। ऐड करेंगे 1/4 कप शक्कर और 1 बड़ी चम्मच घी। शक्कर आप अपने स्वादानुसार ऐड कीजिएगा। घी का फ्लेवर अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इलायची पाउडर या फिर और कोई एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। गैस ऑन करके हम कढ़ाई को चढ़ा देंगे। लो हीट पे कंटिन्यूअसली हम कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा हम स्टियर नहीं करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। जब इस तरीके से दूध में उबाल आ जाएगा और कढ़ाई छोड़ने लगेगा, तब हम थोड़ा सा इसको चला लेंगे। बार बार चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से 15 से 20 मिनट तक कुकिंग करने के बाद कुछ इस तरीके से थिकनेस आ जाएगी। इस स्टेज पे हम गैस को एकदम लो कर देंगे और कॉन्स्टेंटली चलाते रहेंगे, ताकि जो पेड़ा है, जो संदेश है, वो कढ़ाई में लग ना जाए। कॉन्स्टेंटली हमें स्टियर करते रहना है और 2-3 मिनट इस तरीके से स्पैचुला को चलाने के बाद मिल्क की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। पूरी कुकिंग हम लो हीट पे करेंगे। जब इस तरीके से एक डो की आकार ले लेगा और कढ़ाई छोड़ने लगेगा, ये एक इंडिकेशन है कि हमारी जो स्वीट है वो एकदम अच्छी तरीके से बन चुका है। अभी हम इसको निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। पूरा ठंडा हमें नहीं करना है, हाथ पे हम सह सकते हैं, इतना ही हम ठंडा करेंगे। इंडिपेंडेंस डे के दिन घर में ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अभी ठंडा हो चुका है, अब हाथों में थोड़ा सा घी ले लेंगे और इसको थोड़ा सा गूंद के हम एक डो के आकार दे देंगे। 3 से 4 मिनट तक हम गूंद लेंगे। अब इस डो को हम 3 डिवाइड में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमें 3 कलर का पेड़ा बनाना है। एक में हम दे देंगे ग्रीन फूड कलर और एक में ऑरेंज फूड कलर, और एक में हम कोई भी कलर ऐड नहीं करेंगे। लीजिए, मेरा 3 कलर का मिल्क पेड़ा बनके रेडी हो चुका है। क्योंकि मैं इंडिपेंडेंस डे के लिए बना रही हूँ, इसलिए फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो फूड कलर को स्किप कर सकते हो, इसमें टेस्ट में कोई भी इसके लिए डिफरेंस नहीं होगा। तो चलिए आप एप्पल का शेप दे देते हैं। आप कोई भी शेप में बना सकते हो आपके मन पसंदीदा। एप्पल पेड़ा बहुत ही ट्रेडिशनल एक स्वीट डिश है, इसीलिए मैं एप्पल का शेप दे रही हूँ। आप चाहो तो बॉल का या कोई भी शेप आप दे सकते हो। देखिए बन गया है। अब इसको एप्पल जैसा परफेक्ट लुक देने के लिए मैं लौंग का इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे कि एप्पल का डंडन होता है। देखिए कितना सुंदर बन चुका है। मेरा आज का रेसिपी यही तक था। मैं आशा करूँगी आप लोगों को पसंद आई है। मेरे साथ आगे भी बने रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।